बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जल्द ही दोबारा गठबंधन करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। बीजेपी और शिवसेना के बीच महापौर के पद के लिए घमासान मचा हुआ है, जिससे महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा होने के आसार भी दिखने लगे हैं। खबरों की माने तो महापौर पद के लिए शिवसेना कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है, जिसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही है। बीजेपी और शिवसेना दोनों में काफी टाइम से मतभेद चल रहा है। ऐसे में कहा भी जा रहा है कि अगर बीएमसी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होता है तो शिवसेना विधानसभा में भी सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। हालांकि राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के सवाल पर शिवसेना ने अभी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर शिवसेना का कहना है कि अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो शिवसेना सदन में अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। हाल ही में भाजपा नेता एवं राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने बीएमसी के महापौर पद के लिए शिवसेना को कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन नहीं करना चाहिए। शिवसेना व बीजेपी पुराने सहयोगी हैं, इसलिए दोनों को फिर साथ आ जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी में दोबारा गठबंधन के लिए भाजपा शिवसेना के बीच जल्द ही बातचीत शुरू हो सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा महापौर पद शिवसेना को देने के लिए राजी हो सकती है, जिसके बदले उसे उप महापौर पद और मनपा की स्थायी समिति में महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।